डीन एल्गर भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इस टाइम पर सबसे बड़ा खतरा। डीन एल्गर, जिनको आउट करने में हमारे देश के सबसे अच्छे गेंदबाज नाकाम रहे हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रविचंद्रन अश्विन, सारे ये इतने बड़े बड़े गेंदबाज नाकाम रहे हैं, पर आखिरकार डीन एल्गर है कौन? तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ 5 ऐसी चीजें डीन एल्गर के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, डीन एल्गर इज सेट टू रिटायर आफ्टर दिस होम टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंडिया। जी हाँ, उनकी आखिरी टेस्ट सीरीज है ये, उन्होंने ये पहले ही जाहिर कर दिया, तो उन्होंने बता दिया था कि इस टेस्ट सीरीज के बाद वो रिटायर हो जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट से। नंबर 2, डीन एल्गर हैज प्लेड 84 टेस्ट मैचेस, स्कोरिंग 5146 रन्स विद एन एवरेज ऑफ 37.3। जी हाँ, 5000 से भी ज्यादा रन बना चुके हैं ये टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में, और एक बेहद बड़े लेजेंड बल्लेबाज रहे हैं ये साउथ अफ्रीका के लिए। नंबर 3, डीन एल्गर हैज आल्सो लेड साउथ अफ्रीकन टेस्ट क्रिकेट टीम, कप्तानी करी है इन्होंने साउथ अफ्रीकन टेस्ट क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि एक बेहद बड़े बल्लेबाज हैं ये, एक बेहद एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं ये, और पहले साउथ अफ्रीकन टेस्ट क्रिकेट टीम के ये कप्तान भी रहे। इनकी जो कप्तानी थी, कैप्टेंसी जो इनका स्टैंड था, वो इतना अच्छा रहा नहीं, पर एज अ बल्लेबाज बहुत बड़ा नाम है डीन एल्गर। नंबर 4, डीन एल्गर ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था 2012 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, 10 साल का इनका इंटरनेशनल क्रिकेट का पूरा करियर है, 10 साल से भी ज्यादा का इंटरनेशनल क्रिकेट का इनका करियर है, और अब वो सेट है रिटायर होने के लिए आफ्टर दिस टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंडिया, पर 2012 में डेब्यू किया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। नंबर 5, रिकॉग्नाइज्ड एज स्किल्ड लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन, इन्हें साउथ अफ्रीका का वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन कहा जाता है। एक लेफ्ट हैंडी होने के बाद इनका जो 10 साल का क्रिकेटिंग करियर है, मेजरली ये टेस्ट में खेले हैं, और जब जब खेले हैं बहुत कमाल खेले हैं, और इस टाइम पर डीन एल्गर इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहे हैं, क्योंकि ये जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच चल रहा है उसमें डीन एल्गर का परफॉर्मेंस और डीन एल्गर की विकेट मिलनी बेहद मुश्किल हो रही है टीम इंडिया के लिए। बाकी सारी अपडेट्स आपको इस फर्स्ट टेस्ट मैच की मिलती रहेगी सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट कंट्री पर।